कोई महिला देवी की आत्मा अवतार लेकर तुम्हारे घर में आई है, अन्यथा कितनी स्त्रियां तो ऐसे ऐसे दिन भर फिल्म देखती रहती है। और जो लेडीज दिन भर फिल्म देखेगी, खूब हुड़दंग देखेगी, उसके द्वारा कोई पूत सपूत पैदा नहीं होगा, देवदूत धर्मदूत पैदा नहीं होगा, उसके द्वारा कोई चांडाल आत्मा ही पैदा होगा, बहुत दुष्ट पैदा होगा। क्योंकि ये सब गलत गलत जो देखा है वो सब संस्कार गर्भ में आए हुए जीव के ऊपर पड़ते हैं। इसलिए जब नारी को गर्भवती होने का समय आता है उसे सत्संग सुनना चाहिए और संतरा खाना चाहिए और फल खाना चाहिए और थोड़ा सा आराम भी ज्यादा करना चाहिए। गर्भवती महिला को ज्यादा भागम भाग नहीं करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल गंदी चीज है, अंडा मुर्गा भी मत खाइए, आलू खा सकते हैं, थोड़ा दूध जरूर पियो, प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, अंदर नए शिशु का निर्माण हो रहा है, थोड़ी दाल उस समय जरूर चाहिए। और गर्भवती महिला को चिंता में नहीं डालना चाहिए और उस महिला को गालियां नहीं बकना चाहिए, अन्यथा अंदर से भूत ही पैदा होगा, बहुत खतरनाक, सावधान रहिए। क्योंकि आप एक नए जीवन का निर्माण कर रही इस समय, सावधानी बरतिए, प्रवचन ज्यादा सुनिए उस समय, सत्संग सुनिए, कथा सुनिए, अपने सामने चित्र लगा लीजिए, कोई महान संत का दर्शन करिए कि मेरा पुत्र महान ही पैदा हो, इसका फर्क पड़ेगा, देखना कोशिश करना। किस तरह की संतान को जन्म देना है ये सब तुम्हारे हाथों का खेल है, बस स्वयं को पवित्र कीजिए, मन को सुमन बनाइए, दिल को देवालय बनाइए, तन को तीर्थ जैसा पवित्र कीजिए, फिर देखिए आपके द्वारा ऐसी संतान का जन्म होगा कि आपके घर के दुख द्वंद संताप को दूर करेगी वो संतान और तुमको शांति भी प्रदान करेगी, ऐसी संतान पैदा हो। जो महिलाएं गर्भवती होने के समय रोती बहुत है, उनके द्वारा रोने वाले बालक का जन्म हो जाता है, क्योंकि तुम रोती थी उसका असर अंदर बालक जो पल रहा था उसके ऊपर पड़ गया। जो महिलाएं गुस्सा बहुत करती हैं, दांत पीसती रहती है, गेहूं तो पीसती नहीं दांत पीसती, उनके द्वारा क्रोधी संतान का जन्म हो जाएगा। गुलाब के फूल जैसा कोमल स्वभाव बनाइए, आपके द्वारा ध्रुव और प्रह्लाद का जन्म होना चाहिए, राम और कृष्ण का जन्म होना चाहिए, आपके द्वारा कोई एक और असंग साहेब का जन्म हो जाना चाहिए, ताकि हम चले जाएं तो फिर से एक ऐसी आत्मा आ जाए, सत्संग खूब सुनाए आकर नई जनरेशन को ज्ञान दे। लगातार महान संतों की आवश्यकता है देश के अंदर, एक संत के जाने का समय आ जाए तो दूसरा संत फट से आ जाना चाहिए, क्योंकि संत क्या करता है, तुम्हारे जलते हुए ज्ञान के दीपक में सत्संग का तेल डाल देता है तो तुम्हारा दीपक कभी बुझता नहीं है, अखंड उजाला होता रहता है। जीवन में परोपकार भी करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और जितना बड़ा परोपकार तुम सोचोगे
उतना बड़े आदमी तुम बनोगे, ये भी याद रखना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि आपके हाथों से कोई परोपकार नहीं हुआ तो जीवन परमार्थ विहीन परोपकार विहीन जीवन, पशु पक्षियों से भी गया गुजरा जीवन है। पशुओं से भी परोपकार होता है, गाय और भैंस घास भूसा खा करके भी हमें अमृत जैसा दूध देते हैं। मधुमक्खियां लाखों फूलों का रस इकट्ठा करके हमें आपको हनी मधु प्रदान करती है, वो भी हमारी आपकी सेवा करती है। हे इंसान तो कितना महान है, तो भी परोपकार कर। ये गायों को खाने का तेरा अधिकार नहीं है। एक मरी हुई गाय को यदि तुम जिंदा नहीं कर सकते हो, मरे हुए बकरे को तुम जीवित नहीं कर सकते हो, तो जीते जागते बकरे और गाय और भैंसे को मारकर खाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बहुत बड़ा पाप है। गौ भक्ति भी कीजिए, गायों की सेवा करो। यदि हो सके तो दो दो चार चार गायें अपने घर पर पालो। यदि संभव नहीं, जगह नहीं है, तो किसी गौशाला में योगदान करते रहो, ताकि गौशाला गरीब न होने पाए। और जो गायों की सेवा करता है उसके घर में बाल गोपाल की कमी नहीं रहती। साहिब बंदगी बोलो, हमारे पास पर्चियां खूब आ रही हैं, जब आती है तो मैं घबरा जाता हूं क्या है, फिर देखता हूं तो कुछ खास नहीं है। अब की जो पर्ची आई है तो घबराया नहीं हूं, बल्कि घबराहट खत्म हो गई। इसमें लिखा है अंबालाल जी, घनश्याम जी, जिन्होंने उज्जैन कुंभ में भोजन भंडारा डेली 50,000 लोगों का बनाते थे, उन्होंने निवेदन की पर्ची भेजी है कि हरिद्वार में भी हमी को सेवा देना, सबके लिए भोजन मैं बनाऊंगा। खड़े हो जाओ, वो खड़े हैं उधर, मुस्कराइए, थोड़ा पहचान हो जाए। इस सेवा मांगने के लिए पर्ची भेजा है कि गुरुदेव किसी और को न देना, हम ही सबको भोजन बनाकर खिलाएंगे। प्रयागराज में भी इन्होंने बनाया था, ये पर्ची से हिम्मत बढ़ गई मेरी। हाँ, कुछ ऐसी पर्ची भी भेजा करो जिसमें कुछ लिखो। धन्य हो, बैठो विराज। सेवा परोपकार का प्रसंग में चला रहा था। गुरु सेवा, मात पिता की सेवा, भाई की सेवा, बहन की सेवा, ग्रामवासियों की सेवा, देश की सेवा और पशु पंछियों की सेवा। इंसान इतना बुद्धिमान प्राणी है, अगर ये चाहे तो पूरे सृष्टि का विनाश कर सकता है और चाहे तो नई सृष्टि का सृजन कर सकता है, सृजन कर सकता है। इस सृष्टि की रक्षा करो,